नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। सपा विधायक नवाब जान खान के बेटे की शादी पार्टी में पहुंचे सांसद विधायक। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब जान खान के बेटे मूसा खान की शादी में आज पहुंचकर दिया आशीर्वाद। बताते चले कि सपा विधायक नवाब जान खान के बेटे मूसा खान की शादी के दावती वलीमे में पहुंचकर शिरकत की और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद से नवाजा। आपको बताते चलें कि दावती वलीमे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आने की तैयारी भी जोर शोर की गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके। तो वही मंडल की समाजवादी पार्टी व अन्य पार्टियों के सांसद विधायक एवं नेतागण इस कार्यक्रम में पहुंचे। संभल की विधानसभा असमोली से सपा विधायक पिंकी यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान पर को फिर से संभल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है और सन 2024 में फिर से सांसद बनकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। वहीं अमरोहा से सांसद दानिश अली ने बताया कि हम अमरोहा से गठबंधन से सांसद चुने गए हैं और आज भी गठबंधन के साथ हैं। अमरोहा से फिर गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हमने अमरोहा की जनता की समस्या को लेकर पार्लियामेंट में कई बार उठाया है। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटे हसन से जब मीडिया ने वार्तालाप करनी चाहिए तो सांसद एसटे हसन ने बिना कुछ बताए मीडिया से किनारा कर लिया। इस कार्यक्रम में अमरोहा से पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक महबूब अली, सांसद डॉक्टर एसटे हसन, मुरादाबाद से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष फिजाउल्ला चौधरी, कांड से पूर्व विधायक अनिसुर रहमान, संभल से सपा नेता असगर अली अंसारी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख एजाज अंसारी और 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा के सभी क्षेत्रवासी मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम था, कहाँ आना हुआ? आज हमारे पार्टी के विधायक माने जो है नवाब जान जी के बेटे की शादी के दावत वलीमा में यहाँ ठाकुर द्वारा में आना हुआ और मैं अपनी तरफ से संभल की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। जिस तरह से शफीक रहमान पर को जो है सपा का संबंधक टिकट हुआ है, क्या कहना चाहते? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है और पार्टी के वो सांसद पहले भी रहे हैं और कई बार से हैं लगातार, और इस बार जब उन्हें टिकट दिया गया तो मैं पूरा भरोसा दिलाती हूँ कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। यादव मंत्री जी का आगमन था तो वो किस वजह से प्रोग्राम ये तो अपना उनका आप देख रहे हैं वेदर की वजह से कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ है, बाकी आने का कार्यक्रम। क्या तैयारी है 2024 के लोकसभा चुनाव के? पूरी तरह से पार्टी तैयार है अपनी जगह पे और हम सब लोग, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे अपनी मेहनत कर रहा है और 2024 में इंशाल्लाह अच्छा ही हम लोग एक रिजल्ट लेकर आएंगे। शुक्रिया। ठीक, चलिए। क्या कार्यक्रम था, कहाँ आना? आज हम हमारे बड़े भाई दोस्त ठाकुर द्वारा के विधायक नवाब जान साहब के बेटे के वलीमे में यहाँ शिरकत करने हम आए हैं। एक सामाजिक कार्यक्रम है उसमें। सर, आज जैसे मंत्री साहब का आगमन था, पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी का आगमन था, वो मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ इनवाइटेड था, मैं आया हूँ, बाकी सब लोग आए हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ यूपी के बहुत बहुत बड़े कद्दावर सब विधायक नेता सभी पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी गैदरिंग यहाँ हुई। आप अमरोहा के सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी के सांसद से, क्या रहा जो पार्टी से गठबंधन? मैं गठबंधन से सांसद चुना गया था और अपने 5 साल के कार्यकाल में गठबंधन के सांसद के रूप में भूमिका निभाई। पार्लियामेंट के अंदर भी जिस काम के लिए जनता ने मुझे चुन करके भेजा था वो काम मैंने पूरा किया है। तैयारी है 2024 की, जनता आशीर्वाद देगी तो फिर जाकर के जो है फासीवादी ताकतों से और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। मैंने कहा कि मैं पिछली बार भी गठबंधन का प्रत्याशी था, सांसद था, और इस बार भी गठबंधन से ही हम
बीजेपी के खिलाफ सबको इकट्ठा देखना चाहते हैं। फासीवादी ताकतों से ऐसे मुकाबला नहीं होगा अकेले के।